साथ में परिजनों को तो हर चीज़ उनके सामने ही सारी कार्रवाई हुई है, तो वो भी सारी बातें समझ रहे हैं कि क्या बात हो सकती है। उनके संज्ञान में हर चीज़ है जो हम लोगों ने पूछताछ की है जिन लोगों से, और इनके मोबाइल फ़ोन्स जो देखे गए हैं तो उनके संज्ञान में है। उनको भी यही है कि ये तीनों गई हैं, क्योंकि घर से पैसे भी ले गई, कपड़े भी ले गए हैं, तो इसलिए इनका भी यही मानना है कि हो सकता है कहीं ये प्लान बना कर गई हों, क्योंकि जो जिन लड़कों से इनकी बातचीत हुआ करती थी वो सारे लड़के आके उनसे पूछताछ हो चुकी है यहाँ पर, और किसी के भी द्वारा उनके साथ किसी तरह का कोई इस तरह के संबंध के बारे में नहीं बताया गया। तीन छात्राएं लापता हुई हैं सर, क्या पूरा मामला, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? ये रात को लगभग 9:30 बजे इनके अभिभावकों द्वारा थाने पर आकर ये सूचना दी गई कि हमारी ये बच्चियाँ जो हैं ये सुबह 8:30 बजे करीब स्कूल के लिए निकली थी ट्यूशन होते हुए, और उसके बाद फिर इनको 3:30 बजे करीब वापस आना था। जब नहीं आई तो थोड़ी देर और इंतज़ार किया, करीब 4:30 बजे तक। उसके बाद फिर जब नहीं वापस घर लौटी तो इनकी तलाश इन्होंने शुरू की, इनके जो मित्र हैं उनके यहाँ भी और जो सहपाठी हैं और रिश्तेदारी इत्यादि हैं। उसके बाद फिर इन्होंने आके सूचना दी, जैसे ही सूचना मिली तत्काल हम लोग थाने पहुँचे, इनसे पूछताछ की गई, जानकारी की गई कि क्या मैटर है। तो इन्होंने बताया कि सुबह 8:30 बजे ये निकली थी, ये कह के कि स्कूल में कोई फंक्शन इत्यादि भी है तो उसके बाद आएंगे। घर पे जब इन्होंने देखा तो ये भी मालूम चला कि कुछ रुपए करीब कुल मिला के 10,000 रुपये के आसपास तीनों के को मिलाकर इनके पास होगा रुपए, और कपड़े भी ले गई। इसके बाद इनके जो मित्र हैं जिनसे इनकी वार्ता इत्यादि होती थी उनको भी रात में ही लाकर उनसे भी पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 1-1.5 महीने पहले से ही ये इस बात को कह रहे थे कि कहीं चलना है, और इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये इसका साथ नहीं देंगे, इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा जो भी और तथ्य इसमें आए हैं, इनके जो मोबाइल फ़ोन से जो घर पे ही थे उनको भी देखा गया और उन पर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पे हमने 3 टीमें बनाकर इनके जो घर के लोग हैं उनको साथ में रखते हुए, ताकि उनको पहचानने में सुविधा हो और कोई चीज़ उस समय समझ में आए तो क्लैरिफाई हो जाए तत्काल ही, तो इनको भेजा गया है। रात को 2 बजे ये टीमें रवाना हो चुकी थी, और उनका मैं अपडेट ले रहा हूं, वरिष्ठ अधिकारी और भी जो राजपत्रित अधिकारी हैं जनपद के, जो SP सिटी हैं, CO सिटी हैं, वो भी इसके बारे में लगातार अपडेट ले रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सकुशल हम लोग इनको आज ही शीघ्र बरामद कर लेंगे। इनके संबंध में गुमशुदगी थाना सदर बाजार में दर्ज कर ली गई है, और उस लेवल पर जो आवश्यक कार्रवाई वो भी की जा रही है। क्या लगता है प्रथम प्रारंभिक जांच में लगता है कि लड़कियां बच्चियां तीनों छात्राएं अपनी मर्जी से ही गई? प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनकी CCTV फुटेजेस जो अब तक की मिली हैं उनमें ये तीनों अकेले ही जाते हुए दिख रही हैं, साथ में मतलब तीनों ही केवल साथ हैं, उनके अलावा और कोई व्यक्ति इनके साथ नहीं है। अभी और भी CCTV फुटेजेस देखी जा रही हैं जिससे ये क्लियर हो पाए कि वो किस साधन से कहाँ गई होंगी, और इसमें जल्दी ही हम लोगों को सफलता मिलेगी।